छोटा भाई जो बोले वो एकदम टची था, है ना बा? खुद का घर, हाँ, अपने नाम की नेम प्लेट, हाँ, खुद के नाम बिजली के मीटर का बिल, हाँ, बा उस घर में जा रही है जो वो वसीयत में मेरे नाम करने वाली। देखा बा ने आ बोला लबाड़, वो घर तुम्हें किसी को नहीं दूंगी। किसी को नहीं देंगे बा? किसी को भी नहीं, वो घर मेरा है, सिर्फ मेरा, मेरा स्त्री धन है। हर्षित ने कितने सालों से ये सपना मेरे लिए देखा था, आज वो पूरा हो रहा है। मेरे नाम का घर, और उस घर में आप गृह प्रवेश करेंगी और मुझे देखने नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं सत्याग्रह कर रही हूँ। अच्छा ये बात है, तो अब तो उठना ही पड़ेगा। मीनाक्षी मीनाक्षी मीनाक्षी, तू तो खंडाला जा रही है ना बेटा? नहीं बा, मुझे आपके गृह प्रवेश के अवसर में भाग लेना है बस। मीनाक्षी सुबोध टिकट लेके आइए ना मेरे रूम में। सुबोध तू भी आ। क्या काम है, क्या काम है? धीरे, बा के बारे में कुछ बात करनी है, चलिए ना। एक मिनट प्रवीण, तू बा की बुराई तो नहीं करना चाहता ना? बा की बुराई करनी हो तो मैं आपको बुलाऊंगा, आइए ना। चल सुबोध। क्या है प्रवीण, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है मुझे। अरे दो मिनट रुकिए ना। ओड़ा भाई ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है प्रवीण। ये साड़ी दिखाने ले आया तू मुझे यहाँ? मेरी दो मिनट वेस्ट कर दी तूने। अरे मोटा भाई ये बा के लिए है। आइए दिखाता। बा के लिए साड़ी लाया प्रवीण? क्यों मैं नहीं ला सकता, वो मेरी भी बाय है समझे। ये देखिए, ये अच्छी है, है ना? बा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है मोटा भाई, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम सब भाई मिलके बा को ये साड़ी गिफ्ट दे। अच्छा सोचा तूने प्रवीण, है ना? हाँ लेकिन सब भाइयों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कितने की है? सिर्फ 10,000 की। 10,000? हाँ। अच्छा 9,000 फाइनल है, इससे 1 रुपया कम नहीं होगा बच। पर ये सोच क्या रहे हैं मोटा भाई, आप अपने हाथों से ये साड़ी बा को देना, उन्हें अच्छा लगेगा। बा जब ये पहन के निकलेगी तो क्या रुआब पड़ेगा उनका। हाँ वो तो ठीक है प्रवीण, पर बा ऐसी महंगी साड़ी कभी पहनती नहीं है, है ना? अरे पहनती नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनका मन नहीं करता होगा। हाँ जरा सोचिए, बा के भी कुछ सपने होंगे। हर्षद ने बा के 2-2 सपने पूरे कर दिए। एक बात कहनी पड़ेगी हर्षद के बारे में, मैं बड़ा हूं फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने बा के 2 सपने पूरे कर दिए। बा को खुद का घर दे दिया, कम से कम हम साड़ी तो दे सकते हैं ना। करेक्ट है ना, ये ले। काश मेरे बच्चे भी मेरे बारे में ऐसा सोचते, वो मेहुल नाला है तो मुझे बेच के घर खरीदे वैसा है। मैं जा रहा हूं ऑफिस। एक बात कहनी पड़ेगी हर्षद के बारे में, मैं बड़ा हूं फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने बा के 2 सपने पूरे कर दिए। बा को खुद का घर दे दिया, कम से कम हम साड़ी तो दे सकते ना। मजा आएगा बा, आज तो इस घर में उस घर की बातें हो रही है। ये चैताली और सांता क्लॉज की वजह से ना मैं ठीक से घर भी नहीं देख पाई। ए शिल्पा, हर रूम में एसी है ना? सेंट्रली एयर कंडीशन्ड है भाभी। वाह 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 शिल्पा। मैं तो कहती हूँ एक सेंट्रली एयर कंडीशन्ड घर तो होना ही चाहिए। फिर एसी रूम में बैठ के गरम गरम चाय पीते हुए हम चारों बहुएं किसी की बुराई करेंगे। किसी की क्या, किसकी? नाम बोलिए ना।
चारू बना बेटी। जय श्री कृष्ण। आप लीला भाभी है ना? ऐसी मस्त लग रही है मेकअप में। गट्टू भाई। शिल्पा भाभी आपका घर एकदम मस्त है। हाँ। ए, राजा को कुछ मालूम नहीं है, वो बा का घर है ना वो। हाँ गट्टू भाई बा का घर है लेकिन एकदम मस्त है। और मुझे उसमें सबसे ज्यादा मस्त क्या लगा मालूम है? बालकनी। बालकनी? हाँ, कभी भी खुदकुशी करने का मन किया ना तो डायरेक्ट ए दबाव। पागल है क्या, कोई खुदकुशी क्यों करेगा? अभी डिंपल के पापा के हाँ से तंग आके मुझे आपको खुदकुशी करने का मन किया तो क्या करेंगे? ये तो ग्राउंड फ्लोर है। रजो तू मत, हमारे ग्राउंड फ्लोर पर भी कुआं है गट्टू भाई, इसे ले जाके कुएं में धक्का मार दीजिए। कुएं में धक्का दूं? अच्छा अच्छा चल रजो। अभी मैं तो मजाक कर रहा था। बिल्कुल नहीं, जा जा चल चल जाइए गट्टू भाई लेके जाइए। अरे भाभी ये क्या? अरे कुछ नहीं होगा, कुएं में कमर से ऊपर तक पानी है ही नहीं और इससे तो सबक मिलना ही चाहिए। कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल देता है, भुगतने दो। चल अरे चल राजा। गट्टू भाई आप मेरी बात तो सुनिए। गट्टू भाई मैं नहीं सुनूंगी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मतलब हुआ है। मीनाक्षी समझ। वाह आप इन्हें समझाइए ना। क्या हुआ? ये मुझे कुएं में डालना चाहते है। डाल दे। डाल दू। इसे छोड़, इसे डाल। मीनाक्षी चलो चलो। मैं नहीं हटूंगी। हटने को ना बोल रही है, अभी क्या करने का? कुआं इनके ऊपर डाल दूं? हे भगवान मैं इन सबका क्या करूं? गट्टू जा तू जा। मैं जाऊंगा चाचा। राजा तू भी जा। राजा नहीं राजा जा। बुलाओ गट्टू को बुलाओ। बाप बाप गट्टू को बुलाने का है? नहीं 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 चलिए चलिए आप चलिए चलिए गट्टू तू का नहीं चला। मैं यहाँ से नहीं हटूंगी बा, मतलब नहीं हटूंगी। नजर के सामने से हटता नहीं है वो घर, ड्रीम हाउस है ड्रीम हाउस। अगर दुश्मन दुश्मन जमाना। खुश मत हो, बच के आ गया तो। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो नरसी काका के साथ एक महीने के लिए एक ही रूम में बंद कर दूंगी तुझे, समझा? नुकु नुकु माफ करा, मैं आगे से ऐसा नहीं बोलूंगा। हाँ। तुझे उस घर की बालकनी सुसाइड के लिए प्लस पॉइंट लग रही थी। हाँ लीला भाभी मुझको भी है ना उस घर का एक प्लस पॉइंट मालूम है, बोलो। हाँ वहाँ चार बर्नर का चूल्हा है ना गट्टू भाई, तो चारों बर्नर पे आपके लिए अलग अलग चीजें बन सकती है, यही है ना? वहाँ पे चार बर्नर वाला चूल्हा है तो फिर ऐसे चार चार बार? ये तो मालूम ही नहीं था मुझको। मतलब आपके पास और एक प्लस पॉइंट है? हाँ हाँ अभी है ना पाको कोई ऐसा नहीं बोल पाएगा कि मैंने इतना बड़ा घर आपको रहने को दिया मेरा भाई। क्या दया कौन बोलता था ऐसा? वो गुणवंती मामी थी ना ऐसे ऐसी, वो बोलती थी ना अभी नहीं बोल पाएगी। जैसे कृष्ण मोटा भाई है। और एक प्लस पॉइंट भी है लीला भाभी, अपने खुद के घर के आईने में कम उम्र में भी बूढ़े दिखने में सुकून मिलता है। अरे वाह आपने तो इतनी सच्ची बात कह दी, इतनी गहरी बात। हाँ गट्टू भाई। हाँ ये गहरी बात है ना, बा बेबी को बोल रही थी तो मैंने सुन लिया तो मैंने कॉपी कर लिया। बा को कितना सुकून दिया ना हर्षद भाई ने। चलो लीला मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे सुनिए तो, टिफिन तो लेके जाइए और शाम को जल्दी घर आना डिंपल के पापा। अरे हाँ आज वो नए घर जाना है, कोशिश करूंगा मैं जल्दी आने की। इनका मूड ठीक नहीं है क्या? हाँ नहीं क्या मुझे